180 एकड़ किला में फसल डूबी हुई है फिलहाल के टाइम में। और ये गांव में 74 जब से हम पैदा हुए हैं तब से हम फलड़ को देख रहे हैं। मेरी 28-30 साल की उम्र है। नूह जिले के गांव बिकटी में उजीना ड्रेम में पानी ज्यादा होने से पूरे गांव और खेतों में भर गया पानी। ग्रामीण परेशान, जिला प्रशासन से की मदद की गुहार। गांव के लोगों ने आज बताया कि ज्यादा बरसात वे उजीना ड्रेन में नई हतन गांव के बीच में जो नया पुल बनने के कारण पानी और फुल हो गया है। सुनहेड़ा के पास बनी पुलिया में ज्यादा पानी हो जाने के कारण गाँव बिकटी में पानी आ गया है और वहाँ पर पूरे खेत भर गए हैं। गाँव पूरी तरीके से डूब गया है। गांव के अंदर घरों में पानी घुस गया है जिसके कारण खेतों की फसल खराब हो गई है। ग्रामीणों ने बताया कि मकान गिरने की स्थिति बनी हुई है। गांव के लोगों ने पानी निकालने के लिए तुरंत पानी के कम से कम 6 पंप लगाए ताकि गांव की फसल खराब होने से बच सके और मकान सही सलामत रह सके। गांव के लोगों ने बताया कि हमें इसकी शिकायत प्रशासन को 2 दिन पहले की थी। अब प्रशासन की तरफ से गांव के पानी की निकासी के 2 पानी खींचने वाली मोटर मिल गई है, लेकिन गांव में लाइट नहीं आने के कारण ना तो वो मोटर चल पा रही है और ना ही पानी यहां से निकल रहा है। प्रशासन ने सिर्फ मोटर भिजवाई है लेकिन अभी चलाने के लिए कोई भी प्रशासन की तरफ से नहीं आया है। गांव के मजीद, एक्स सरपंच मुन्नस आसीन, मुब्बी इरफान, साहून तैयब, रज्जाक नंबरदार, सोहराब चौकीदार ने आज बताया कि 180 एकड़ की फसल डूबी हुई है। फिलहाल जरा सी बारिश हो जाती है यहां पर बाढ़ आ जाती है। ग्रामीणों ने बताया कि गांव के स्कूल में भी पानी भर गया है। स्कूल के बच्चों की बिल्कुल पढ़ाई नहीं हो पा रही है। गांव के बीच में एक जोड़ है, उसमें भी पूरा पानी भरा हुआ है जिसके चारों तरफ मकान है। उनका मकान गिरने का डर बना हुआ है। क्या नाम है आपका? मजीद मेरा। गांव कौन सा है? बिकटी। ये कितने दिन से पानी भरा हुआ है और कहाँ से ये पानी आया? ये तो 7400 इसके पानी के फ्लड है। 7400 अब तक कोई समाधान ना हुआ आज तक भी, जो अभी फिलहाल पूरे गाँव में और खेतों में पानी भरा। कितने जगह में पानी भरा हुआ है? पूरे जमीन और पूरी एकड़ गांव में, पूरा जमीन में है। अच्छा, तो आपने इसकी शिकायत प्रशासन को की? हमने प्रशासन के लिए दी, हमने तहसीलदार के लिए दी, हमने डीसी साहब के लिए भी दी, हमने नहर महकमा के लिए भी दी। हमारी कोई सुनाई ना कर रहा, ना ही सरकार हमारी सुनाई कर रही, ना आज तक करी। अच्छा, इसके यहाँ कोई आया नहीं आपके पास? कोई आज तक भी नहीं आया जी। आप बता रहे हैं कि पानी की मोटर दी है? पानी की मोटर किसने दी? खुद लाए अपनी पिकअप में धर के, खरीद कर ना, उनकी है महकमा वाला की लाया था। हम अपनी गाड़ी में कोई बंदा ही ना भेज रही। अच्छा, ना इनका कनेक्शन करवा रहा। तो ये पानी अब निकासी कहीं भी नहीं हो रही? ये पानी निकासी इस नहर में टलेगा। ये पानी वैसे आया कहाँ से? ये आया है उजना ड्रेन से। अच्छा, उजना ड्रेन ने बैंक मार के भरा दिया गांव साल। तो क्या चाहते हैं अब आप? हम यह चाहता है हमारा पानी निकले और ये सरकार इनको समर्थन करे पानी को। मेरा नाम जुबैर है। कितनी फसल डूबी है आपके? सर ये कम से भी कम 180 एकड़ किला में फसल डूबी हुई है फिलहाल के टाइम में। और ये गांव में 74 जब से हम पैदा हुए हैं तब से हम फलड़ को देख रहे हैं। मेरी 28-30 साल की उम्र है, मैं तब से ही इसको देख रहा हूँ। लेकिन अब भी हम प्रशासन से मोटर मांग के लाए, SP DSA हुआ, DA हुआ के तहसीलदार के सबके दरखास्त लगाई है। कोई दरखास्त के हमारी कोई सुनवाई नहीं है और नहीं कोई लाइट का कनेक्शन है यहाँ पे और नहीं कोई मोटरों को चलाने के लिए यहाँ पे आ रहा है। और मतलब हम ये कह रहे हैं कि दरखास्त लगा के बार बार ये कह रहे हैं कि भाई हमारी फसल डूब रही है, हमारे बस्ती में पानी है, पूरा गांव पानी से डूबा हुआ है, लेकिन हमारा कोई विकास नहीं हो रहा है। और तब से ही कभी भी विकास नहीं हो पाया, लेकिन अब भी हमारी सुनाई होगी तो जब होगी लास्ट में जाके, तब हमारे बच्चों के लिए कोई दाना का उपाय नहीं होगा, तभी हमें मोल लाना पड़ेगा, दूसरे गाँव से मोल लेना पड़ेगा। नहीं कोई पानी की कोई है सिंचाई का, ना ये खिलाने का कोई वो जुगाड़ नहीं है अभी। तो आप परेशान हैं? बिल्कुल जी, तो सुना ही नहीं करती है, पहले से ही नहीं कर रही, और लेकिन अब हम ज्यादा परेशान हो गए हैं। क्या नाम है आपका? इरफान जी। इरफान जी, ये तालाब है क्या है जो पानी भरा हुआ है? सर तालाब है गांव का। अच्छा, इतना पानी कहाँ से आया गांव की आबादी में पूरे चारों तरफ? कुछ तो 4-5 दिन पहले बरसात हुई थी। अच्छा, उसके बाद सर हम ये एक नहर जा रही है, बड़ी नहर नाला है वो, कच्चा नाला उजीना ड्रेन जिसको उजीना ड्रेन बोलते हैं। और नई के पास एक पुल है, वो पुल बन रहा है, उस पर काम चालू है।
उसके काम की वजह से तो वहाँ से पानी रुका हुआ है। एक नाली बना रखी है उन्होंने पतली सी, उसमें पानी जाता है कम, तो पीछे पानी का बैकअप जाता है पीछे, उसकी वजह से एक सुनेडा के लिए एक उसमें से एक नाली दे रखी है, तो उसके बहाव के कारण नाली तेज पानी आने के कारण वो पानी सारा पानी हमारे गांव में आके रुक रहा है, जिससे हमारे गांव में पूरा गांव भरा हुआ है। ये गांव का तालाब है और इसमें देखो आप गंदगी देखो कितनी सारी हो रखी है। तो आपने इसकी शिकायत करी है? हमने शिकायत करी, हमारा पूरा गांव गया था डीसी साहब के पास, पेश हुआ था, एप्लीकेशन दी वायदा लिखित में, तो डीसी साहब ने आश्वासन भी दिया था और जो नीचे उच्च अधिकारी हैं एसडीओ साहब हैं एसडीएम साहब हैं उनके लिए फ़ोन भी कराया गांव के मौजूद लोगों के आगे, तो उन्होंने उसके बाद कुछ पता नहीं है कि अभी तक हमारे पास कोई एसडीएम ऑफिस से कोई भी आदमी ऐसा नहीं आया कि जो इस गांव की मतलब रुख ले ले। कितने दिन बाद आया ये पानी, कब से कब आया ये पानी? ये पानी तो वैसे हमारे से बाढ़ जो आती है वो पानी भरता है, वो हर साल भरता है, क्योंकि हमारा गांव जो है नीचा होने के कारण इसमें पानी आता है, बरसात का इकट्ठा हो जाता है। लेकिन अब क्या है कि कुछ बरसात का पानी है और जो पानी ज्यादा मोस्टली पानी आया है वो पीछे से आया है उस नहर से, क्योंकि और जो गांव है सारे ऊपर पड़ते हैं सब, वहां से जो हमारा गांव है यहाँ एक गुड़गांव कैनाल नहर है वो पक्की हुए, तो उसके बाद पानी का जो अभाव है बाहर की तरफ नहीं है, यहीं इकट्ठा हो जाता है और हमारा सारा गांव में पानी घुसा हुआ है, देख लो। क्या नाम है जी? सौरभ। सौरभ जी, ये आपके चारों तरफ गांव में स्कूल में पूरे मकानों में पानी भरा हुआ है, कहाँ से आया ये पानी? भाई पानी आया बरसात को आया, नाला टूट को हमारे पुलिया सुनेडा वाली। कब आया है पानी? पानी तो आज ही 8-10 दिन होगा, 10 दिन सही। अच्छा हाँ, और ज्यादा पानी हो पड़ो भानी भानी पानी ज्यादा, गांव परेशान है, बिजली भी नहारी है, रातू बीज हलावा बैठा बैठा। तो इसकी शिकायत दी आपने? हाँ शिकायत कई कई बार कह दी, कोई महकमा वाला सुनाई ना कर रहा, मोटर हमारी लुई पड़ी है वो पानी जम ना रही, कहा नाम थोड़ा थोड़ा पानी खींच जाए बाड़कन गुजारो हो जाए। लगभग कितनी जमीन की फसल खराब हो चुकी है? अरे कम से कम 3 किला खराब हो गई। हाँ 3 किला खराब हो गई जी, और हमारे तो कहा नाम ज्वार बाजरा सब गड़ गया। फिर आप कैसे गुजारा करेंगे? अब गुजारा कैसे करें जी, अब कहा करें बता, हम मोल खाऊंगा कहा करें, मोल भी कहीं इसमें कुछ है ही नहीं, हमें सुविधा काम में। तो क्या चाहते हैं अब आप सरकार? हम तो यहाँ कहें कहा नाम है हमारी जो पूरी मदद करे सरकार आके, नहीं पानी की व्यवस्था बिठाए और ही मच्छर मारने भेजे, मच्छर बहुत ज्यादा हो रहा है, मच्छर बहुत ज्यादा हो पड़ा है, और बिजली हमारे 24 घंटे मिलनी चाहिए, 24 घंटा बिजली होनी चाहिए। आपके गांव में लाइट नहीं आती? ना जी लाइट घंटा 2 घंटा देते हैं, अब दिन में बिजली ना आए रात में चमक ना आए, वो भी जीरो लाइट देते हैं। थोड़ा ये बात बतानी है। बस बस, क्या नाम है आपका? आप नंबरदार हैं, स्कूल में कैसे पानी भरा हुआ है और इसके बारे में आपको बताया नहीं, बताया आपने किसी को? स्कूल में ऐसा पानी भरा हुआ है कि जो तालाब हो तालाब बराबर, अंदर पानी बाहर पानी, और जो हमारा स्कूल ये सारा खंडर है। अच्छा। हमने कई बार एक बार ने कम से कम 15-20 बार सरकार से प्रशासन से कही, हमारी कोई सुनाई ना, बच्चा परेशान है, कहाँ पढ़ाए कहाँ लिखा। फिर यहाँ पे टीचर नहीं आते? टीचर आते हैं, बैठे बैठे चले जाते, टीचर कहाँ पढ़ाते, पढ़ाते ही नहीं, बच्चे पढ़ते ही नहीं है, कहाँ पढ़ाने जगह ही नहीं। अच्छा, तो आपने किसी लिखित में शिकायत दी इसके बारे में? लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही। क्या नाम है जी? ताइये भाई जी। क्या परेशानी है आपको? परेशानी इतनी है अगर हमारे बच्चे परेशानी है। ठीक, किस वजह से? पानी से, और 40 साल हो गई भरते भरते पानी की निकासी, सरकार सुनाई ना। हाँ, जब चुनाव हो है, जब क्या ढूंढ लिए, ऐसा समझता भी राजस्थान के टुकड़ों पड़ो हुई। यहाँ के मौजूदा विधायक को आपने वोट नहीं दी? हाँ वोट दिए, सब कह के जाओ आकातार बीटू पंप लग जाएगा और तहर सुविधा हो जाएगी, नो भी ना देखा कि अब मर रोग बच रो गांव। बताए नहीं आप? वो बताई, गलतियाँ राखी है। हाँ,